अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल रियली फाइन एंड एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ। तो बेटा चलें विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की असाइनमेंट्स का को चेक करना। और मैं बताता चलूं कि ये सेशन नंबर 9 है जुलाई अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे, और बाकी भी स्टूडेंट्स के जो अपनी असाइनमेंट्स को इनको देख के अपनी ग्रामर को ठीक करें, अपने बेसिक जो एरर्स हैं उनको ठीक करेंगे, तो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हमारे पास आया है टॉपिक, तो देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। वार्मिंग का तो डब्ल्यू कैपिटल आना था, पहली गलती करी। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ मेन प्रॉब्लम पाकिस्तान ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल ठीक है। पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग रैपिडली, इट रिजल्ट्स इन दिस सन स्ट्रोक प्रॉब्लम्स अकर, ठीक है, वेरी गुड बेटा, 8 marks out of 10, अच्छा किया आपने। प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आपने यकीनन लिखा हुआ है, मुझे अजीब बिल्कुल लिखा हुआ है आपने। ग्लोबल वार्मिंग एफर्ट्स टू द ग्रेजुअल राइज इन टेम्परेचर एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ, इट इज़ अ मेजर इशू पाकिस्तान, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एज़ वेल एज़ ऑटोमोबाइल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग कॉमा आवर वेदर इज पैटर्न्स हैव चेंज, बिल्कुल ठीक हो गया। वाकई बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। रेस टू द सन बाय यूजिंग अनसेसरी केमिकल्स कॉमा इट रिजल्ट्स इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, अच्छा जी। इन कंक्लूजन वी शुड अवॉइड डिफॉरेस्टेशन बिकॉज ट्रीज आर नॉट ऑल डिक्रीजिंग, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा लिखा बेटा आपने, बहुत 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 अच्छा लिखा, शाबाश। बस वो प्रेपोजिशन जो जो पंक्चुएशन है उसको काइंडली ठीक करें, बाकी आप माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखती हैं, अल्लाह ताला बरकत डाले। तो आगे भी कुछ है, उसके नीचे क्या क्यों आया, नीचे तो नहीं आना चाहिए, खैर चले। अच्छा नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ आते हैं। जी मैंने इनको चेक कर लिया है और इसको हम डन वाली कैटेगरी में भी लेके चले जाएंगे, इसको भी बंद करते हैं। हम असाइनमेंट चेक वाले सेक्शन पे आते हैं, ये डन हो गया। दूसरी वाली पे आते हैं और देखते हैं जी इसमें क्या प्रेसी राइटिंग है हमारे पास, आइए उसको चेक करते हैं। टीचिंग प्रोफेशन है, पी कैपिटल आना चाहिए था। टीचिंग का वेरी ओनर प्रोफेशन, इट इज़ ही हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवेलपिंग द करेक्टर ऑफ द यंग वंस, आई गुड टीचर ऑलवेज आए, तो फिर गुड टीचर है तो सिंगल वांट तो नहीं आएगा, वांट्स आएगा। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई एस और एस का इस्तेमाल नहीं करते, गलती कर दी आपने। ऑफ हिज स्टूडेंट्स, क्योंकि आप आर टीचर की बात करें पूरी लाइन गलत होगी। ही कैन इनकलेट इन दैम द क्वालिटीज ऑफ बेस्ट सीजन विच इज़ हेल्पफुल इन डिवेलपिंग द करेक्टर ऑफ सीनियर टीचर हिमसेल्फ इज लीडिंग अ प्योर एंड सिंपल लाइफ, हिमसेल्फ इज लीडिंग, ठीक है, गुजार रहा होता है, ठीक है, गुजार रहा है या लीड्स, ज़्यादा अच्छा तो ये था, ये लाइन ही आपने गलत की। इन द कंपनी ऑफ स्टूडेंट्स कॉमा अ टीचर फॉरगेट्स एवरी पर्सनल वरी हिज पर्सनल वरीज परपेचुअल कॉन्टैक्ट विद चिल्ड्रन कीप्स हिम डिलाइटेड एंड चीयरफुल, डिलाइटेड वर्ड होता है, क्या वर्ड, डिलाइटेड। तो इन सबको देखने के बाद माँ को मार्क्स मजबूरी है, 5 दे पाएंगे आउट ऑफ 10, ठीक है, गलतियाँ हैं इनको ठीक कीजिएगा ताकि दोबारा ये मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ आते हैं और इसको चेक करते हैं जी। फॉरनर्स ज्वाइन दिस दिस एंड दैट, ओके हमारे पास ये ऐसे है। देर आर मैनी क्रिकेट लीग्स इंट्रोड्यूस बाई डिफरेंट कंट्रीज, मैनी ऑफ दीज लीग्स आर रनिंग सक्सेसफुली ऑल ओवर द वर्ल्ड, कैरेबियन, पीएसएल, राज नंबर फॉर प्लेयर्स टू एंड दीज लीग्स, ठीक है अभी, बट इज दैट दे प्रेफर दिस दिस दिस। आई पी एल हैज़ बिकम द फर्स्ट फ्रेंचाइज लीग विच सिंगुलर है तो गिव्स आएगा, आल्सो गेट अपॉर्चुनिटी। ये आपने इतनी बातें करके यहाँ पर देखिए 1-2 बॉडी पैराग्राफ करके, यहाँ पे बात तो ये थी ना फॉरनर्स ज्वाइन करते हैं आईपीएल पीएसएल की बजाय, तो वो फॉरनर्स के ऊपर आपने ज़रा थोड़ा सा ना ध्यान कम दिया, थोड़ा सा इसको और प्लानिंग के अंदर शामिल कीजिएगा। अच्छा इसमें हम आपको मार्क्स दे देंगे 13 out of 20, ठीक है। नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ आते हैं और देखते हैं जी असाइनमेंट क्या है। आज 23 असाइनमेंट्स हैं जो टोटल में चेक करनी है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं बाबू। तो जनाब मेमो राइटिंग की तरफ आते हैं, June 25, 2024 टू शाह है, सॉरी ये तो मेमो है। वेलकमिंग डब्ल्यू कैपिटल आना था, I inform you about the distribution, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ या आई एल इन्फॉर्म यू, इन्फॉर्म करूँगा या आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, ज़्यादा अच्छा था।
The XYZ company cannot, तो उसके साथ delivered तो नहीं आएगा ना, on time क्यों दरमियान में कॉमा आया, सो के बाद इधर कॉमा आना था, आई थिंक ये आपने इधर लाना था, पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गया, खुद ही आ गया होगा ना, है ना। सो मैनी कस्टमर्स कंप्लेन ऑफ योर सर्विसेज अबाउट द डिलीवरी इशूज अबाउट फेस्ड बाई अस फ्राम यू, यानी आपने कुछ ना प्लानिंग अच्छी नहीं की, मज़ा नहीं आया लिखते वक्त, कस्टमर्स और प्रूफ रीड भी नहीं किया गुड्स ऑफ योर कंपनी बिकॉज यू सेल गुड्स इन अ वेरी अट्रैक्टिव मैनर। अट्रैक्टिव मैनर क्या कहना क्या चाह रहे हो आप, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट एंड वेलकम द एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को बिकॉज द एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉयज कह रहे हैं, एम्प्लॉय कह रहे हैं, कंपनी कैन नॉट डू देयर ड्यूटीज वेल, नहीं ये आपने ना लिखा सही नहीं है, आपको इसको ऊपर दोबारा करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है, दोबारा करें इसे, मैं 7 मार्क्स आपको दे देता हूँ इसमें वैसे, लेकिन इसको दोबारा करें, ये ठीक नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट असाइनमेंट चेक करते हैं कौन सी है, इट इज़ नंबर 5 दैट इज़ हेयर, और ये भी प्रेस ही है हमारे पास, एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, देर आर ऑलवेज there are many ways of advertising which are called for advertising, advertising through mouth and written advertising, called for advertising is a very ancient type of function, is opposite to the camouflage, every color is destructive and written, ad was discovered painting on the walls and this, this and that, ठीक है, good, अच्छा किया आपने, 8 out of 10, अच्छा जी, next assignment की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगली assignment हमारे पास क्या है, और नेक्स्ट असाइनमेंट हमारे सामने ये रही जिसमें आपने किया है क्या फिश बोन डायग्राम, तो फिश बोन डायग्राम को चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, पॉवर्टी इज़ वेरी कॉमन कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, आ वेरी हेक्टिक रूटीन ऑफ फैमिली ऑफ अ फैमिली गार्डियन विच फोर्सेज हिम टू डोमेस्टिक वायलेंस, वेरी हेक्टिक रूटीन ऑफ अ फैमिली गार्डियन विच गार्डियंस जो है वो जानदार है, तो उसके साथ विच तो नहीं आएगा, हु आएगा, टू फोर्सेज हिम बंदे को या बुढ़ी को, हिम या हर क्या कहना चाह रहे हैं आप, टू डू डोमेस्टिक वायलेंस मतलब बंदे को फोर्स करता है, हैक्टिक रूटीन मतलब हैक्टिक होगी तो वो कुछ भी कहेगा, ये कॉज ज़रा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया सच्ची बात में कहूँ तो। चाइल्ड मैरिज हैज़ आल्सो बिकम वेरी सीरियस इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इट क्रिएट्स अ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट फॉर फैमिली मेंबर्स, इट डिप्रेसेस द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ, ठीक है, वुमेन हु आर किल्ड इन डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक हो गया। तो जनाबे वाला हम आपको इसमें से जो मार्क्स देंगे दे विल बी 7 मार्क्स आउट ऑफ 10, बाकी ठीक था, बस ये कॉज नंबर 2 का मसला था, बाकी आपने ठीक किया था जी, बस यही है, मुझे लगा शायद आपने ऐसे भी इसका किया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं और चेक करते हैं आगे, हमारे पास लेटर है 13 नवंबर, द हैकर्स मैनेज टू विथड्रॉ, बिल्कुल ये मेरे नोट्स में से ही है, तो आइए इसको चेक करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए और देखते हैं कि इन्होंने कैसे इसको सॉल्व किया है। डेट में पहले लिख दी, क्या किया है अकबर मुगल रज़िया सुल्तान ने, लेटर है ना, तो लेटर को आपने यहाँ पे तो ऑफिशियल लिखना था, सेंड रिसीवर कंप्लीट चीज़ें आपने यहाँ पे बतानी थी, आपने सिर्फ एक सेक्शन पे आए तो उसमें तो आपके 3 मार्क्स माइनस हो गए ना, आपने फॉर्मेट से भी लिखा। अच्छा रज़िया सुल्तान है गुड हेल्थ, आई एम अकबर मुगल द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर ऑफ आई वाई बैंक, from miscreants and location information they use, phone calls, emails and fake websites, ठीक है, why don't contacts and information source, yes, you will be careful, बिल्कुल ठीक है, ये अच्छा लिखा आपने, अच्छा सिग्नेचर में जो तरीकाकार बताया था आपने इसको लिखना है, लिखने के बाद वो कंट्रोल बी करना है, कंट्रोल बी के बाद आपने कंट्रोल आई करना है, जिसका मतलब है कि इटैलिक भी हो जाएगा, तो सिर्फ अकबर लिखना है आगे मुगल नहीं लिखना, तो सिग्नेचर कम्प्लीट हो जाता। तो ये मार्क्स देखने के बाद हम आपको ये चीज़ें देखने के बाद हम मार्क्स देंगे 12 out of 20, ठीक है। नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं, बेटा फॉर्मेट के लिए मैंने बकायदा PDF शेयर किया हुआ, मैंने बताया भी हुआ, समझाया भी हुआ, वीडियो भी बताई हुई है, तो क्यों नहीं आपने किया सही तरीके से बेटा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी, नंबर 8 लेटर राइटिंग है, वही राइटिंग का W कैपिटल आना चाहिए था, सारा खान मैनेजर, ठीक है, हेड चीफ शेफ़ है, तो हेड का H कैपिटल आता था, शेफ़ का C कैपिटल आता था, तो ये तो बनाना था ना आपने, तो इंट्रोड्यूसिंग, अच्छा 2 के बाद इंट्रोड्यूसिंग तो नहीं आता ना, इधर भी डेट है, ठीक है, अच्छा
टू इंट्रोड्यूस, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस इंडिया, इंट्रोड्यूसिंग क्रिएटिव कोसाइन, ये नाम है तो इसलिए सी कैपिटल कोसाइन, कुजीन का सी कैपिटल। अच्छा जी फरीदा आई हैव योर फाइन एंजॉय गुड हेल्थ आई एम रेडी टू इंट्रोड्यूस, ये फिर वही बात गलत प्रमोशन थ्रू शोकेसिंग आवर टीम टीम दैट आई शो टू डिलाइट द कस्टमर, वी आर ऑफरिंग यू द पार्टनरशिप, वी बिलीव दैट दिस पार्टनरशिप विल बी वेरी बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ अस, वी वर्क टुगेदर एंड शोकेस दिस दिस दैट, वी आर ईगर टू दिस, वी आर एक्साइटेड अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ वर्किंग विद टेस्टी बाइट्स। अभी टेस्टी बाइट्स नाम है तो टेस्टी का टी कैपिटल, बाइट्स का बी कैपिटल, वो सिंसियरली नाम होना चाहिए था, नाम क्यों लिखा आपने वो तो आना चाहिए था, फिर उसके बाद आपका नाम और फिर आगे आपकी डेजिग्नेशन। तो जनाब 13 मार्क्स आउट ऑफ 20, इसको ठीक करें और दोबारा सही तरीके से लिखें, मतलब जो चीज़ें गलत हैं उनको बस अगली दफ़ा आपने ठीक करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और अगली असाइनमेंट हमारे पास क्या है, जी हाँ इट इज़ ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ का जी कैपिटल, पाकिस्तान का पी कैपिटल। ठीक है, टुडेज रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ बिकम अ लीडिंग प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, इट इज़ मेजर व्हिच अफेक्ट्स द सोशल सिस्टम बिकॉज ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन कॉमा पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई, पाकिस्तान कॉमा नहीं आना, इन फैक्ट टू रन द फैक्ट्री इज बेस्ट प्रोडक्शन और इकोनॉमिक कंडीशन, और इकोनॉमिक कंडीशन मोर लेबर आर रिक्वायर्ड कॉमा बट सेवरल फैक्ट्रीज विच कंट्रीब्यूट, फैक्टर्स हैं तो फिर कंट्रीब्यूट आएगा, कंट्रीब्यूट्स तो नहीं आएगा। ठीक है, टू इंक्रीज द पॉपुलेशन लेवल आर हाई बर्थ रेट, लिमिट एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एंड रिलीजियस बिलीव्स, इन कंक्लूजन ऑल कंट्रीज मस्ट टेक सॉलिड स्टेप्स टू मैनेज द प्रॉब्लम बिकॉज ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन मैनेज कॉमा मैनी इशूज आर क्रिएटेड लाइक न्यूट्रिशन एंड नेचुरल डेप्लीशन, फुल स्टॉप मैं लाना सी, इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज कॉमा इट कैन हैव अ वेरी एडजस्ट इम्पैक्ट ऑन आर गुड्स एंड सर्विसेज। ये सब चीज़ें देखने के बाद हम आपको जो मार्क्स देंगे दे विल बी 14 आउट ऑफ 20। तो आइए नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली असाइनमेंट आपने क्या की है। नंबर 11 की तरफ आ रहे हैं, तो जनाब इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट फिशबर्न किया और पैराग्राफ भी किया, गुड। अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ सिचुएशन पाकिस्तान, ओवर पॉपुलेशन इज द मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ सफिशिएंट जॉब, बिल्कुल ठीक है, क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट साहब स्ट्रगल, बिल्कुल ज़बरदस्त बेटा आपने अच्छा किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, 8 मार्क्स आउट ऑफ 10। नेक्स्ट बढ़ते हैं पैराग्राफ, अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड बेटा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट जी, अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ हेल्थ मेजर ऑफ द इकॉनमी, इज अ कंडीशन विच अ पर्सन सर्चेस फॉर अ जॉब बट ही इज अनएबल टू फाइंड इट, दोबारा जॉब को रेपिटेशन की जरूरत नहीं है बेटा। पाकिस्तान इज द फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, इस पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 80 करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज 8%, देर आर मैनी बेटा अब ज़्यादा हो चुकी है अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान, रीजन्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान, द मेजर इशूज बैड इकॉनमिक कंडीशन ड्यू टू दिस कॉमा द गवर्नमेंट इज अनेबल टू गिव सफिशिएंट जॉब्स टू पीपल, कंटिन्यूस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में आल्सो बी द रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पाकिस्तान प्रोड्यूसेस अबाउट दिस ग्रेजुएट्स पर ईयर, ओनली फ्यू ऑफ देम आर एबल टू गेट जॉब्स, सो द गवर्नमेंट शुड प्रोड्यूस सफिशिएंट जॉब्स फॉर देयर यंग ग्रेजुएट्स, इट विल हेल्प देम टू दिस एंड दैट। तो जनाब हम आपको जो मार्क्स इसमें देंगे दे विल बी 14 आउट ऑफ 20, ठीक है, अच्छी अटैम्प्ट है बेटा, आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन जो चीज़ें बताई जा रही हैं उन गलतियों को लाजमी आपने ठीक करना है। नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ आते हैं और देखते हैं जी असाइनमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट पैराग्राफ, ये तो अभी मैंने चेक किया, ये डबल हो गया, ओहो कोई बात नहीं, डबल हो गया कोई बात नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। 13 की तरफ आते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं, लेटर इज रियल ऑर्नामेंट्स, बिल्कुल मेरे नोट्स में सही है, तो ये मुझे पता है कि इसमें क्या क्या आना है, किस किस तरह आना है, तो चलें चेक करते हैं, पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं, रियल ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो नेक्स्ट चेक करते हैं। और मिस्टर बेटा सब्जेक्ट किधर है, सब्जेक्ट किधर है, जालिम आ गया मिस्टर साद खान के पास सब्जेक्ट, ओ भाई क्या हो गया, सब्जेक्ट किधर आएगा, आई होप यू आर वेलिंग टू प्लस में, आई एम सारी महमूद कॉमा द मेजर डेवलपमेंट ऑफ आर ओ आई हैव लिसनड अबाउट यू दैट यू आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन इन प्रमोटिंग न्यू ब्रांड्स, वी हैव आल्सो सपोर्टेड दिस ब्रांड्स, आई हैव लॉन्च्ड रिसेंटली एन ऑर्नामेंट्स ब्रांड नेम रियल ऑर्नामेंट्स, आवर ऑर्नामेंट्स आर वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन एज पर, अच्छा लिखा यार अच्छा लिखा, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश, अच्छा आवर कंपनी वॉन्ट्स टू टारगेट हाइपर मार्केट प्लेस टू अचीव द टारगेट सेल्स ऑफ द वॉल्यूम प्रोडक्ट थ्रू योर शेल्व्स
Nishin Bhatt. I hope you will consider our request to give us a positive response. Sincerely, Sarim, Control B plus Control I, Development Manager ka M Capital. 15 marks out of 20. एक वो भी सब्जेक्ट की भी गलती थी, इस वजह से 15 से कम होके ये मार्क्स किए जा रहे हैं मेरे भाई 14 out of 20. तो असाइनमेंट्स आपको मिल जाएंगी, ये वाली चेक भी अगर आपको चाहिए हो तो कोई मसला ही नहीं है। तो आइए अब चेक करते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट और देखते हैं वो क्या है। दिस इज़ ऑन प्रेसी राइटिंग और सैयद अहमद। तो सैयद अहमद टुक मेन स्टेप्स फॉर द मुस्लिम्स वेलफेयर। मुस्लिम्स यहाँ पे आना था या इधर आ जाना था पोस्ट ऑफ। स्टार्टेड अ वीकली पीरियडिकल आज इधर रिलीजियस आइडियाज अमंग द इंटेलेक्चुअल्स या आल्सो वांटेड टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूट बट दैट इट कुड नॉट बी पॉसिबल विद द पब्लिक। ही वांटेड टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मुस्लिम्स वेलफेयर इन विच मुस्लिम्स वेलफेयर विच ही डिड नॉट शो हिज मेंबरशिप इन विच ही डिड नॉट शो हिज मेंबरशिप ठीक है। सो ही रोट द लेटर टू मोहम्मद अली ऑन 22 April कॉमा ही रोट अ पॉलिटिकल विच वाज नेम्ड द तहजीब अखलाक एंड कुरान दिस दिस एंड दैट ठीक है जी। अच्छा किया आपने 7.5 out of 10। तो नेक्स्ट असाइनमेंट देखते हैं, अगली असाइनमेंट हमारे पास क्या है उसको चेक करते हैं। जी हाँ, अब मेरे पास 5 असाइनमेंट्स हैं। बच्चों ने इमेज में भेजा था तो मैंने क्या कर दिया कि इसे कन्वर्ट कर दिया ताकि सब बच्चे इसको अच्छे से देख पाएंगे। तो नज़र आ रहा है सबको, मैं इसे और बड़ा कर दूँ कहते हैं तो हाँ अब तो आ रहा होगा है ना। तो चलें जी, इफेक्ट्स इंक्रीज एफिशिएंसी। ये कौन से भाई हैं जिन्होंने कंप्लीट सेंटेंस के अंदर नहीं किया? बेटा आप इसे कंप्लीट सेंटेंस में करें। सबसे पहली बात, ऊपर ही अगर आएँ तो प्रॉमिस इंटेलिजेंस हैज़ प्लेड। प्लेड का पी कैपिटल क्यों है? पी कैपिटल क्यों है मेरे भाई, क्यों है आखिर, क्यों है? सोसाइटी एंड हैज़ डुअल इम्पैक्ट, हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, इस तरह लिखते हैं। ये लिखने की क्या ज़रूरत है? कॉजिंग एडवांसमेंट इन कंप्यूटिंग पावर, नहीं ये पूरी लाइन नहीं लिखी है आपने। टेक्नोलॉजिकल एडमेंसमेंट क्या होता है जी, मुझे नहीं पता। बिग डाटा क्या कहना चाह रहे हैं? इंक्रीज एफिशिएंसी, बस पॉइंट लिखने थे। एक्टिविटीज आर इंक्रीज और इंक्रीज, ये मैं आपको सिर्फ इसमें से 3 marks ही दे पाऊँगा, मजबूरी है क्योंकि आपने तो कुछ इसके साथ इंसाफ नहीं करने की कोशिश की जो कि गलत बात थी। इंटेलिजेंस हैज़ अ बिग इंपैक्ट ऑन द इकॉनमी। इंटेलिजेंस हेल्प्स टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क क्विकली। आर्टिफिशियल बार बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हेल्प्स टू इंक्रीज द मोरल ऑफ वर्कर्स एंड हेल्प्स टू चेंज जॉब्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए कैपिटल है तो फिर आई भी कैपिटल करें। हेल्प्स टू फाइंड रेलिवेंट जॉब्स इन विच यूजर्स आर इंटरेस्टेड। बिग डाटा इंक्रीजेज द क्रिमिनल एक्टिविटीज थ्रू द वर्ल्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज इन बिग व्हीकल्स, इन बिग व्हीकल इंडस्ट्री टू मेक ईजी वर्क फॉर ह्यूमन। बट इट यूज द नंबर ऑफ ह्यूमन जॉब्स। द कंक्लूजन इज दैट every concerned person should be responsible to improve the situation by following the above measures so that all of us may project ourselves to be developed and raising nation in the world. ठीक है, अच्छा किया है आपने, लेकिन जो गलतियाँ हैं वो तो हैं। हम आपको इसमें से देंगे 13 marks out of 20। भाई अगले असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। दिस इज़ ऑन चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर में भी इन्होंने यही किया। पहली बात, लेबर का कैपिटल आना था, कॉजेज ऐसे लिख दिए, मगर वो लाया अच्छा खासा पता चल रहा है। पॉवर्टी क्या, सिर्फ पॉइंट लिखना था बाकी कुछ नहीं। बेटा आप तो वही स्टूडेंट हो जो मुझसे काफ़ी देर से पढ़े हुए आप, मतलब ये अफसोस होता है मुझे बहुत ज़्यादा जब मैं ऐसी असाइनमेंट चेक करता हूँ कि आप जिसमें मगरों लाते हो, ये जानते हुए भी कि चांस तो नहीं है आप। और सक्सेस टू एजुकेशन कल्चर एंड सोशल, मैं क्या कह सकता हूँ उसके अलावा। इफेक्ट्स फिजिकल हार्म, ठीक ओके जी। 4 और लो जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ इन्होंने लिखी हुई थी और यहाँ लिख दी है। पेपर हैज इंक्रीज ड्यू टू सम कॉजेज इन रिसेंट ईयर। क्या कॉजेज भाई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही से लिखो ना, आपने सोचा ही नहीं है, प्लानिंग ही नहीं की मेरा बच्चा। 3 out of 10 आप क्यों नहीं कर रहे भाई, क्या मसला है? आप तो आपके पास टाइम भी नहीं है यार, इस तरह तो ना करो। चाइल्ड लेबर मीन चिल्ड्रन आर वर्किंग एट एन अर्ली स्टेज इन सर्च ऑफ एजुकेशन। चिल्ड्रन फैमिली पॉवर्टी, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड सम कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स। पॉवर्टी इज अ मेजर इशू इन द चिल्ड्रन
are facing many physical harms. Lack of child law is implemented in society. Lack of child law? नहीं, ये लाइन को दोबारा देखें. The children of some rural areas have not well gotten education, are not educated. सिंपल सी बात करें, due to lack of access to education, in which they are facing emotional harms in society. The children see capital क्यों है, who are affected by emotional harm, do not attempt any competition exam. Some countries adopt multiple traditions in which children are not well educated. They are adopting a strange type of social and cultural norms due to lack of education. The conclusion is that everyone is concerned enough to improve the situation by following the above measures. So, all of us may project ourselves to be developed and raising nation in the world. ये लाइन गलत है बेटा, इसको दोबारा ठीक करें. 11 मार्क्स आउट ऑफ 20. प्लानिंग नज़र नहीं आ रही बेटा, प्लानिंग बिल्कुल नज़र नहीं आ रही. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. अच्छा, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मतलब साफ पता चल रहा है कि अच्छा खासा आपने चीज़ को ना इग्नोर किया हुआ. रेजिंग सी एस स्मॉल आना था, इंक्रीजिंग फ्लडिंग, वेदर इवेंट्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल वार्मिंग, बिग इशू थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड द ओवरऑल वर्ल्ड इज बीइंग अफेक्टेड या इज अफेक्टेड बाय ग्लोबल वार्मिंग. जो वही बात पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, तो 3 मार्क्स आपको आउट ऑफ 10 दिए जा रहे हैं. नेक्स्ट बढ़ते हैं और चेक करते हैं जी आपका ग्लोबल वार्मिंग पर. ऐसे मल्टीपल कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पोल्यूटेंट्स बीइंग छोटा कलेक्ट आर कलेक्टेड जमा हो जाते हैं द एटमॉस्फेयर एंड अब्सॉर्ब सनलाइट. इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी. ग्लोबल वार्मिंग हैज इंक्रीज मेनी डिजीजेस, हैज बिकम अ रीजन फॉर मेनी डिजीजेस. बेटा क्या कर रहे हैं आप, इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजीजेस फिर कर लें. द मेजर कॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कर लेना, फॉसिल्स चलो वो भी ठीक है. हैज इंक्रीज द सी लेवल एंड फ्लडिंग, द फ्लड हैज डिस्ट्रॉयड व्हीकल्स, बिल्डिंग्स एंड ह्यूमन एंड अदर एक्टिविटीज. डिफॉरेस्टेशन हैज इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एंड डिक्रीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर एंड मल्टीपल प्रोटीन्स कलेक्ट इन द एयर, व्हिच इज डेंजरस फॉर ब्रीदिंग एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैपन. तो बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी छोटा इज नॉट ऑन द प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी. The conclusion is that everyone is concerned enough to improve the situation by following the above measures. So all of us may project ourselves to be developed and embracing nation in the worldwide. ये कुछ कदरे बेहतर था, 14 out of 20. Next, sleep deprivation के ऊपर. Sleep deprivation डी कैपिटल आना था. Lifestyle factor, medical condition. Sentence नहीं आपने बनाया हुआ, वही साहब इधर होगा. Problem statement सबसे पहले आती है. The big factor in human life due to some possible reasons. पॉसिबल रीजन्स क्या, मतलब वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताना था ना, तो उसको एक सेंटेंस कंप्लीट बनाना था ताकि वो अधूरा ना कुछ नहीं रहे. 3.5 out of 10. मीन्स व्हेन अ पर्सन ट्राइज टू स्लीप बट स्लीप इज नॉट कमिंग एंड स्लीप इज नॉट कमिंग बट ही डज नॉट स्लीप, ये बात सबसे अच्छी थी. In a common factor in recent years has disordered daily life, working and directly affects the mental health and human self-motivation, creates many issues in human life. Achha, the major cause of sleep deprivation is to this lifestyle factor. The lifestyle factors have decreased cognitive function. Some people are affected by different diseases. Beta, aapne itne zyada body paragraphs banaye hain, halanki maine kaha bhi tha ki ek paragraph introduction, ek conclusion, दो बॉडी पैराग्राफ मैक्सिमम आपने बनाने हैं, और दो से ऊपर अगर हो तो 150 वर्ड से ऊपर ना जाए. तो ये आपने समझ नहीं कुछ कहा कि आप क्या कर रहे हो, और हर एक में कंक्लूजन इज दैट, और सिंपल वही लाइंस को रिपीट कर रहे हैं आप, वही लाइंस को. मैनी प्रोजेक्ट आवर सेल्व टू बी डिवेलप एंड रेजिंग नेशन. थर्टीन मार्क्स आउट ऑफ 20. आप ना चीज़ों को बार बार उन्हीं को वापस लेके आ रहे हो, ये नहीं होना चाहिए. एजुकेशन, सोशल एंड कल्चर नॉर्म्स, वही साहब यहाँ पर भी किया हुआ है. ये कौन से बन गए जी नॉर्म्स, लेस एजुकेशन, एजुकेशन हेल्थ इन्फ्लेशन, प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैनी इशूज आर एंड मैनी इशूज टू आर स्प्रेड ना. ठीक है, तो ये यहाँ पर आना था. इसमें से आपका मार्क्स बनेंगे 3.5 आउट ऑफ 10.
अच्छा जी, वुमेन एजुकेशन हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन द सोसाइटी, इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी एंड हेल्प्स इट्स इंक्रीजेस नहीं अगर इट इंक्रीजेस एंड हेल्प्स टू वर्क विद मैन इन एवरी फील्ड. वुमेन इज डिपेंडेंट, वुमेन आर डिपेंडेंट ना, इस दुनिया का वुमेन एक से ज़्यादा है. अच्छा, यहाँ पे सिंपल सी बात आप लोग मुझे बताइएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा अगर आप मेरी बात सुन रहे होंगे तो. वुमेन और वुमेन, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत से मसरूफ़ होते हैं, सारी असाइनमेंट भी कुछ देखते भी नहीं है, वो कहते हैं जी हमें तो सब आता है. ये वुमेन और वुमेन में फ़र्क क्या होता है ये कमेंट में कोई बताएगा तो इसका मतलब है कि वो देखता है, वो मेरी सारी असाइनमेंट्स देखता है, तो ये अच्छी बात है, पता लगना चाहिए. वुमेन आर डिपेंडेंट ऑन मैन सो दे इम्पोज मैनी कंडीशंस टू ऑन मैन. वुमेन नहीं कि लाइन थोड़ी सही करें बेटा, प्लानिंग कोई चीज़ होती है दुनिया में, कोई चीज़ होती है प्लानिंग, उसको ठीक करें काइंडली. सम रूरल एरियाज ड्यू टू देयर सोशल एंड कल्चर नॉर्म्स डू नॉट, देखो इसको कितना अच्छा बनाया जा सकता था. सम रूरल एरियाज डू नॉट गेट देयर वुमेन एजुकेटेड, या सम रूरल एरियाज डू नॉट अलाउ देयर वुमेन टू गेट एजुकेशन ड्यू टू देयर सोशल एंड कल्चर नॉर्म्स. छोटा सा अटेंशन के साथ आप ठीक कर सकते थे चीज़ों को, लेकिन आपने इस लाइन को ही उल्टा सीधा कर दिया. इट अफेक्ट्स देयर लैंग्वेज बैरियर, इट अफेक्ट्स ऑन देयर, नहीं इट बिकम्स अ रीज़न होगा ना, इफेक्ट्स नहीं होगा, एंड इट एज फिर क्रिएट्स आएगा. वुमेन आर नॉट प्रोवाइडेड एजुकेशन ड्यू टू लेस एजुकेशन फैसिलिटीज एंड इट रिड्यूस द स्किल. ये रिड्यूस कहाँ से आ गया बेटा, पास यहाँ पे क्या लेने आ गया, आपकी ग्रामर बेसिक बहुत ही ख़राब है मेरा बच्चा, उसको ठीक करना पड़ेगा, इस तरह तो काम बहुत ख़राब है. लो एजुकेशन ग्रोथ हाईली, अब देखो एजुकेशन ग्रोथ सिंगुलर है तो क्रिएट्स आना था. द वर्ल्ड एंड ड्यू टू इन्फ्लेशन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है तो फिर इंक्रीज आना था. द कंक्लूजन इज़ दैट एवरीवन कंसर्न्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल इनफ. ये आपने वही लाइन जो है ना वो दोबारा, मतलब एक रेपिटेशन जो होती है, पता चल रहा है कि बस इन्होंने एक ही लाइन रटी हुई है और उसको यूज़ कर दिया यहाँ पर. तो मैं आपको इसमें से 4 marks दे पाऊँगा, रियली सॉरी, आउट ऑफ 20. तो नेक्स्ट असाइनमेंट्स की तरफ आते हैं, ये भी आपके पास आ जाएंगी, आप इन्हें चेक कर लीजिएगा. तो आगे आते हैं जी, 20 असाइनमेंट कौन सी है जी. डीफॉरेस्टेशन है और पैराग्राफ भी डीफॉरेस्टेशन के ऊपर है. डिफॉरेस्टेशन इज इंक्रीजली बट इन द मॉडर्न एरा, ठीक है. कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू द हाउसिंग सोसाइटी, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉर फ्यूल मेकिंग फर्नीचर इज अ मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. फॉरेस्ट फायर हैज डिस्ट्रॉयड मेनी फॉरेस्ट, इट्स मेजर इफेक्ट इज ऑन वाइल्ड लाइफ. ये लाइन ही गलत कर दिया आपने. डिफॉरेस्टेशन कॉजेज क्लाइमेट चेंज, या ठीक है. डिफॉरेस्टेशन becomes a reason, या climate change occurs because of deforestation, इस तरह कर लें. तो आपने cause का word use नहीं करना उसमें. Cutting of land is also the effect of deforestation. Cutting of land, soil erosion कहना चाह रहे थे आप मेरे ख्याल से. सोचा करें पहले कि क्या कहना चाह रहे हैं, ना आए तो कोई और लाइन सोच लें. 4 marks out of 10. पैराग्राफ राइटिंग की तरफ आते हैं. Deforestation is the cutting down of trees on a very large extent. Deforestation means cutting down the trees, ठीक है. It is basically the changing of purpose of land from planting of trees to other purpose. मैं की कहना चाह रहे हो मेरा भाई, क्या कहना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो मेरे भाई. There are many things which are directly dependent on forest. Any damage to forest affects these things like wildlife, weather condition, etc. There are many reasons of deforestation. The main reason of deforestation is urbanization in the forest area. Overpopulation affects the forest because it demands more place for their residence, so their residence is used forest. Deforestation has very dangerous effect on weather. It affects the rain cycle. The unusual change of weather causes melting of glaciers in a very large scale, which can convert it into floods. If the deforestation continues, the life on earth will disturb. ठीक है. So the government should ban the urbanization in the forest area. Also, it should take strict action against the overcutting of trees in the forests. Khali forest nahin. 14 marks out of 20. Next assignment ki taraf aate hain. Main dekh lu kya maine sahi marks diye hain. Ye line galat thi to ye dekh ke baad usko 13th ban dete hain. Lekin chale de diye to kya baat. Yaad karenge aap kya. नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारे पास जनाब मेमो राइटिंग देखते हैं. 1 जुलाई 2024, अली अहमद, आमिर खान. तो
मेंटेनेंस अबाउट सेकंड फ्लोर किचन, ठीक है, अ मेमो रिलेटेड टू मेंटेनेंस, ये पूरा सेकंड फ्लोर एज कैपिटल फ्लोर एफ कैपिटल किचन का के कैपिटल चूंकि ये नाम था, एंड सीनियर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ लाइफ फार्मा का पी कैपिटल, एंड आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट द किचन मेंटेनेंस हैज बीन स्केड्यूल्ड टू स्टार्ट ऑन 13, ये ठीक है, और 13 नवंबर फुल स्टॉप लगाए, एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट द वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन 13 जनवरी ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल द स्टाफ मेंबर्स यूटिलाइज द फर्स्ट फ्लोर किचन FFK for their preparation of food and needs. The cooperation and understanding through using the first floor kitchen is very appreciated. ये मेरे ख्याल से नाम है क्योंकि उसमें मुझे अच्छे से याद है, मेरी असाइनमेंट है तो मैंने नाम के तौर पर से शो किया था. So the organization provide the facilities. So the organization may provide the facilities and maintenance of the second floor kitchen. So second floor kitchen. ये था. Please ensure that all necessary arrangements are made accommodation from reaching regards this. ये कौन है लिया मैं ये भी तो बताना था. तो जनाब 11 मार्क्स आउट ऑफ 20. नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली असाइनमेंट क्या है और इसके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हैं और किस किस तरह से हैं. तो प्रेसी राइटिंग हमारे पास आ गई और जनाब देखते हैं, देर आर 3 मेजर कॉज ऑफ वायलेंस विच आर लव ऑफ पावर, कॉम्पिटिशन, हेट ऑफ फियर. Love of power, competition, hate for fear can be reduced by combination of all military forces, law, regulation, government control, by lowering the chances of the war respectively. But the malevolence reaction is difficult because it has deep rooted, in human nature. Its presence can affect the stability of world state. State cash capital. Kyun gaya? Wajah. Peace depends upon the wealth, and the wealth can be increased by elimination of war. Propaganda of nationalists should be illegal, in which they should be taught how to hate and despise the foreign nation. So, janab, 6.5 out of 10. Ye marks aapke ban gaye. Next assignment, jo ke last assignment hai, are good ho gaya. चेक करते हैं उसको. तो जनाब ये लेटर राइटिंग, क्रिएटिव कुसीन, एट टेस्टी बाइट्स, कुछ और भी होगा ना, इन्फॉर्मेशन होगी वो भी लिखते, कोई एबीसी कंपनी एबीसी रोड कर लें, कुछ नीचे एड्रेस वाला सेक्शन डाल दें, फिर उस बाकी ठीक है. यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आपने लिखा, वो भी लिखना चाहिए था. यू आर फाइन ड्राइंग फिजिकल मेंटल हेल्थ, आई एम द मैनेजर एम कैपिटल क्रिएटिव कुसीन सारा खान, आई एम द मैनेजर ऑफ क्रिएटिव कुसीन, आई एम सारा खान द मैनेजर ऑफ क्रिएटिव कुसीन, इस तरह बनता था. ठीक है, आपने उल्टा सीधा कर दिया. द पर्पज ऑफ राइटिंग स्ट्रेटजी टू डेवलप कॉपरेशन बिटवीन टेस्टी बाइट्स बी कैपिटल एंड क्रिएटिव कुसीन सी कैपिटल. क्रिएटिव कुसीन सी कैपिटल इज न्यू इन द मार्केट बट बिकॉज ऑफ आवर एक्सपर्ट्स कॉमा वी डिवेलप नेम जस्ट आफ्टर आवर सोसाइटी वी हैव डिवेलप्ड आवर नेम टूडे कॉमा वी आर एबल टू कम टू compete with the leading brands. Tasty Bites is one of the leading brands and performing its best from the long time. The cooperation between Tasty Bites, T Capital, B Capital, Cuisin ka C Capital will be beneficial for both groups. With the combination of our experts and your specialists, something unique and fabulous. Hai? Hai ki kya tar hai? Ilahi nahi galat. Showcasing deliberation can be the first step towards our cooperation. I will wait for your response and I hope you will also support the cooperation between TST Bites, TGT. Sincerely, Sara Khan signature aise nahi the. Maine bataya bhi tha kaise the. Niche phir wo naam bhi likhna tha, phir manager aana tha. जनाब इतनी गलतियों के बाद मैं सिर्फ 11 नंबर दे सकता हूँ आउट ऑफ 20. इनको ठीक करना है और अगली दफ़ा और अच्छे तरीके से करना है. तो बच्चों, ये असाइनमेंट हमारी हुई ख़त्म. इंशाल्लाह अब हम न्यू असाइनमेंट के साथ बहुत जल्द इसी वीक में हाजिर होंगे. मैं फिर बता रहा हूँ, इसी वीक हाजिर होंगे. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.